अच्छा भाई क्या हुआ जी बताइए जरा क्या हुआ। बुनियादी तौर पर गुजारिश ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना हमारा राइट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल साहब से ये कहा कि बुनियादी तौर पर एक सोशल मीडिया कंपेन चल रही है और उस कंपेन में यह कहा जा रहा है कि आप गैर मुल्की रेजिडेंट है और आपके ऊपर कोई हरासमेंट का केस है, आप इनकी तरदीद करिए ताकि वो उन सारी बातों का दम टूट जाए। और ये तमाम जर्नलिस्ट यहां मौजूद थे, ये मेरी इस बात को एंडोर्स करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, हम बाहर आए, उन्होंने स्पेशल मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे ये कहा कि यार मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए रिश्ता लेके आए हैं। हरासमेंट की जो केस है वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप मुझसे रिश्तेदारी करेंगे। इस बात के गवाह वहां मौजूद सारे साफी पीआईडी के मकबूल समेत तमाम लोग हैं। देखें सवाल करना हमारा हक है, बिल्कुल। इस तरह स्पेशल बुला के इस तरह का अटैक करना, उसके बाद मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जुमला मेरे साथ बोला, आप बताएं क्यों बोला। और उनका गार्ड मुझे ये कहता कि जी आपने कहा कि हम उनको पकड़ेंगे, मैं सुन रहा था। गार्ड ने हमला किया आपके ऊपर। बात यह है कि जो सारी वीडियो सारे के सामने है, मैंने उनसे रोक के कहा कि आप ये बताएं कि आपने ये जुमला किस कैपेसिटी में बोला। उसके बाद आप जाके पीआईओ के दफ्तर में छुप गए और अब आप कहते हैं कि मैं उलझना नहीं चाह रहा। आप ये बताइए कि साफी को सवाल करना भी जुर्म है। शहबाज गिल सवाल करना जो इनका मिजाज के मुखालिफ हो तो उसके ऊपर ये लोग ये करते हैं कि आपको पर्सनल अटैक का निशाना बनाए। और आप ये बात करें कि जी मेरे ऊपर बजाय सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं मेरे तमाम जुमले इन कैमरों में महफूज है, मेरा किसी से कोई जाती बात नहीं है। बात असूल किया, सवाल करना मेरा हक है, लेकिन इस तरह जाती ह्यूमिलेशन जो है वो किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है। और इस फोरम इस बात को मैं अपनी हैसियत के मुताबिक हर फोरम पर उठाऊंगा।